नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अबे गंगू, क्या बे? तू सच कह रहा था बे? क्या कह रहा था बे? एक ही दाल में कुछ काला है बे। अबे दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। अबे रंजना उस लड़के के साथ क्या कर रही है? क्यों क्यों, ये हीरो है और मैं विलेन। विलेन? मुझे विलेन कहता है, मुझे विलेन कहता है। अबे साला खाता मेरे साथ है, पीता मेरे साथ है। हीरो उसको बोलता है, मुझे विलन बोलता है। अरे जिसके साथ हीरोइन होती है वो हीरो होता है, तेरे साथ हीरोइन नहीं है तो तू विलन है। मैं विलन हूँ? हाँ विलन हूँ। तू चल मेरे साथ। कहाँ? आज मैं दिखाता हूँ कौन हीरो कौन विलन। एक काम करो, तुम ही जाओ, मैं दूर से ही तुम्हारी मेरा मतलब है तुम्हारी ताकत देखता हूँ। अच्छा देख, अब तू मेरी ताकत दिखाता हूँ तेरे को। मुझसे कह रहा था साथ चलने के लिए, आप लोग तो जानते हो जो विलन के साथ जाता है वो कितना मार खाता है। अब देखना कुत्ते की तरह मार खा कर आएगा। रंजना कौन है लड़का? जब कोई लड़की किसी लड़के के हाथ में हाथ डालकर घूमे तो समझ जाना चाहिए कि लड़का लड़की का क्या लगता है। अच्छा तो ये रिश्ता है तुम्हारे इससे? मगर इसके हाथ में हाथ डालने से पहले ये तो सोच लिया होता ये तुम्हारी रक्षा कर सकेगा या नहीं? राख का ढेर देखकर ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि उसमें आग है या नहीं। मुझे छेड़ो मत वरना चल जाओगे। अच्छा बच्चू, तू अभी मुझे जानता नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दूँ। हाथ तो लगा कर देख, तेरे हाथों को भीख मांगने लायक ना बना दूँ तो मेरा नाम विजय नहीं। क्या बताऊं, एम्बुलेंस को या चाचा आदमियों को तेरी अर्थ उठाने के लिए? तेरे जो मर्जी तो बुला ले। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुझे दवा की जरूरत है या दुआ की। मैं काम करता हूँ, दुआ देकर तुझे भगवान के भरोसे छोड़ देता हूँ। वैसे भी दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। बाय। अबे कहाँ जा रहा तू? मंदिर, मंदिर तेरे लिए दुआ करने। अबे सुन तो, अरे जान दो, अरे आजा, अरे आजा। अबे तू भी एक लात मार गया। अबे कमीने ने बहुत मारा। अब बहुत दुख रहा है रे। अब कौन आ गया मारने? अरे क्या हुआ मेरे राजा? अरे तेरे राजा का उस लंबू ने बजा दिया बाजा। देखा ना, मैं तो पहले ही कहती थी कि मत करो रंजना का बीचा, मगर तुम हो के मानते ही नहीं। आए, मैं तो मानने को तैयार हूँ मगर दिल है के मानता नहीं। जब भी मैं इसको मनाने की कोशिश करता हूँ रंजना को देख के बोलता है हम आपके दिल में रहते हैं। मगर रंजना के दिल में तो विजय रहता है, तुम नहीं। और हमारा दिल तो बिल्कुल खाली है, अगर तुम रहना चाहो तो रह सकते हो बिना किराए के। मगर हम तो रंजना को दिल दे चुके सनम। तो वापस ले लो जानम, और उसे वापस लेकर हमें दे दो, हम उसे हमेशा संभाल कर रखेंगे। अरे पहले मुझे तो संभाल ले, हॉस्पिटल मत ले चलना, अपने गले तो लगा ले। हम तुम्हें प्यार करते और तुमने हम पे ऐसी नियत डाली। अरे सुन तो, सुन तो, तू भी चली गई। विजय साहब,
हाँ बोलिए भैया। भाई साहब जरा इधर आइए। जी भाई, सुबह तो तू मुझे बेवकूफ बना के चला गया था, लेकिन अभी नहीं भाग पाएगा। अरे भैया मैं क्यों भागूंगा, मैं ईमानदार ऑफिसर का शरीफ भाई हूँ, बेहद शरीफ भाई। मैं इंस्पेक्टर हूँ और शरीफ हूँ, ये बात तो सही है, लेकिन तू शरीफ है ये बात गले नहीं उतरी यार। क्यों भैया क्यों? बस ये बता दे कि ये रजनी कौन है। रजनी? मैं किसी रजनी को नहीं जानता भैया, वो समीर अंकल का फोन आया था, उन्होंने मुझसे रजनी के बारे में पूछा था। समीर अंकल का फोन आया था? हाँ। वो रजनी के बारे में पूछ रहे? हाँ। अरे क्यों बुढ़ापे में शरीफ आदमी को बदनाम कर रहा है यार है? अरे भैया आपको यकीन नहीं है तो आप समीर अंकल को फोन करके पूछ लीजिए ना। जनाब मैंने सवेरे उनको फोन किया था, वो मुझे घर पे नहीं मिले है? क्यों मुझे बेवकूफ बनाता है? अरे वो कहाँ तेरी मालकिन भगवंती, सवेरे से दिखाई नहीं दे रही है सर वो। अरे तू ऐसे कांप क्यों रही है? अरे भगवंती ये क्या? आप माधुरी दीक्षित और शिल्पा शेट्टी के चक्कर में थे ना, इसलिए मैं उनकी तरह मौजन बन गई। अरे रे भागवती मैं तो सही है भाभी, आप बिल्कुल सही जा रही है, भैया को ऐसी लड़कियां पसंद है। अबे अबे चुप 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 चुप, हे भागवती तू कभी इंग्लिश बन जाती है कभी। अरे भाभी आप टाइम खोटा मत कीजिए, भैया को जल्दी से किसी डिस्को गार्डन में ले जाकर के गाना तो गा डालिए। गाना? अरे बाप रे बाप, गाना मुझे नहीं आता। अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं बताऊं क्या पूजा भत्रा साहब आपने कितने गाने गाए हैं? कौन पूजा भत्रा? कोई कोई पूजा भत्रा नहीं, कोई पूजा भत्रा नहीं, कोई पूजा भत्रा नहीं, वरना ऐसी आग लगाऊंगा कि चारों तरफ से धुआं निकल जाएगा। तेरा धुआं तो मैं निकालूंगा डार्लिंग, चल चल। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या हंस रही है, चल जाके अपना काम कर। और सुन कोई आए या किसी का फोन आया तो कह देना कि साहब शाहरुख खान के साथ डिनर पर गए, समझी? सब लफड़े पे लफड़ा है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर मुझे मालूम होता ये बिल्ली रास्ता काट जाएगी। क्या? मेरा मतलब है कि मेरी परछाई बीच में आ जाएगी, तो मैं कभी बीच में नहीं आता। सब समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं, आवारा कुत्ते की बिगड़ी वाला, ये सब सामान उठा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे कचरे के डिब्बे की तरह उठाकर बाहर फेंक दूंगी, समझे? उठाता हूँ, बड़ी गलत है। अरे क्या ड्रेस है, अरे मेरी बिल्ली, अगर तू इसे पहनेगी तो बिल्कुल ममता फूल करने लगेगी। लेकिन ये ड्रेस तो मेरी नहीं है। अरे कैसे नहीं है, ये तो तेरी है, सिर्फ तेरी। अगर तू इसे पहन कर निकलेगी तो आगे से ममता फूल करनी है, और पीछे से रानी मुखर्जी, और तू दिखने में तो श्रीदेवी लगती है, बिल्कुल श्रीदेवी। लेकिन क्या हुआ, अगर ये ड्रेस तेरी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे नई ड्रेस सिलवा दूंगा मेरी जान। सच में दिलवाओगे? कोई खाने के पैसे नहीं है, अब मेरे घर में काम है, अभी आता हूँ। भूल गया था तुम्हारी ड्रेस पड़ी, सॉरी। लेकिन ये ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा क्या? मैं ड्रेस पहनूंगी, मैं पहनूंगी। अरे अरे क्या लग रही है इस ड्रेस में मेरी बिल्ली, अरे मेरी ममता कुलकर्णी, अरे मेरी रानी मुखर्जी, अरे श्रीदेवी। हाँ हाँ मैं खोल देता हूँ, मैं खोल देता हूँ, अरे खुल गया, हाँ खुल गया। अरे भाई मेरा मूल मत दो चलेगा, लेकिन कम से कम मेरा ब्याज तो दे दो है? अरे ब्याज के ऊपर मैं राशन खाता हूँ, ये सब पीता हूँ, वो सब करता हूँ, समझे? कब दे रहा हूँ? अरे बाप, अरे बाप रे, लगता भूतनी आ गई। भूतनी कैसे आएगी, और भूतनी आएगी तो बेल मार के थोड़ी आएगी, लगता है यास्मीन है जिसको मैंने बुलाया था। यास्मीन,
दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कमीन। मेरी जान यास्मीन, आ जाओ। दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है? किसने खोला? आपने ही तो खोला। मैंने खोला? मैं भी कितना पागल हूँ, कमाल है। दरवाजा बंद कर। लो दरवाजा बंद कर दिया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, चाबी खो जाएगी तो दरवाजा नहीं खुलेगा, लफड़ा हो जाएगा। मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ बैठ जाओ। बहुत ब्याज कमाया। आए, 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 नहीं, इसको यही रहने दो। आओ रजनी, तुम यहाँ? लेकिन तुम तो मर गई थी, मर गई थी। तुम जाओ यहाँ से प्लीज, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। मगर तुम्हीं ने तो मुझे बुलाया था। मैंने बुलाया था? अरे मैंने क्या बुलाया था तुमको? तुम जाओ ना, तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैं जाती हूँ। जाओ जाओ जाओ, मैं तो पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम लिया तो चलेगी? हाँ पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। अरे बाप रे, जल्दी से पुलिस को फोन कर लेता हूँ। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर संजय से बात कर सकता हूँ? ओ यस, इंस्पेक्टर संजय स्पीकिंग। मैं समीर का भूत बोल रहा हूँ। समीर का भूत? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं समीर बोल रहा हूँ। कहिए समीर साहब, कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, भला अच्छे हाल में कोई पुलिस वालों को याद करता क्या? मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, एक भूतनी आई थी मुझे मारने के लिए, मैंने उसको पुलिस की धमकी दी ना तो भाग गई। भूतनी आई थी मारने, भाग गई? ये आप क्या बात कर रहे हैं समीर साहब? अरे संजय साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वरना कुछ सेकंड के बाद मैं बात करने के लायक नहीं रहूंगा। मुझे लगता है भूतनी अपने साथियों को लेने गई है। संजय साहब आप आ जाइए ना, मेरी जान बचा ली ना प्लीज। ओफो समीर साहब, मुझे तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। संजय साहब आप यहाँ आएंगे ना तो आपके समझ में सब आ जाएगा। अगर आप आने के मूड में नहीं है तो वो भी मुझे बता दीजिए, मेरी पहुंचे ना दिल्ली तक है। हाँ मैं यहाँ पर ऊपर से दबाव डलवा दूंगा, फिर आपको आना पड़ेगा मेरी सिक्योरिटी के लिए। नहीं समीर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूं। और एक बात आप भी सुन लीजिए, अगर आपने मेरे साथ मजाक किया है तो कानून के साथ मजाक करने के जुर्म में आपको सजा भी हो सकती है, फिर आपको कोई भी दिल्ली वाला बचा नहीं सकता। ठीक है आप आ जाइए, कमाल का इंस्पेक्टर है, दिल्ली वालों से भी नहीं डरता है, कोई बात नहीं। बेटा दीपक। हाँ डैडी। तुमने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि तुम पीके की बेटी से प्यार करते हो। ओ डैडी वो क्या, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, तुमने मुझसे एक बार कहा होता तो पीके ना नहीं करता। डैडी वो पीके अंकल आशीर्वाद तो देंगे ना। अरे उसकी चिंता मत करो, पीके की ऐसी नब्ज मेरे हाथ में है कि वो कभी ना नहीं कर सकता। ठीक है आप बात कीजिए। इसके लिए मुझे समीर का साथ लेना होगा और मैं उसी के पास जा रहा हूँ, तुम जाकर आराम करो, मैं रात में आकर बात करता हूँ। हाँ ठीक है डैडी, ठीक है, बाय डैडी। तो निकल पड़ी, चल बियर पिला। अरे चुप रहे ना। अरे कम, अरे क्या करूं, दारू पी लेता हूँ थोड़ी सी, कम बखत दारू भी नहीं गिरती। अरे बाप रे आ गई। देखो अगर तुम भूतनी हो तो मैं घर पे नहीं हूँ, अगर कोई लड़की है तो अंदर आ जाओ। कमीन, आ जाओ। कैसा क्या कर रही है? राजपाल तू, इंस्पेक्टर साहब। हेलो, तू पहले एक बात बता, तूने इंस्पेक्टर साहब को तकलीफ क्यों दी? ये मुझे रास्ते में मिले, मुझसे कह रहे थे कि तुझे कोई भूतनी मारने चली आई थी, इसलिए मैं इनके साथ चलाया। क्या बात? राजपाल, राजपाल तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता। तेरी बात मेरी समझ में कुछ नहीं आती, जब तेरी सामने आएगी ना तो सब समझ में आएगा तुम्हारे। रहने दे रहने दे, क्या बकवास कर रहा है तू? इंस्पेक्टर साहब आप ही संभालिए इसे, इसके साथ रहूंगा तो खामखा मेरा वक्त खराब होगा, यूजलेस। ठीक है ठीक है, आइए इंस्पेक्टर साहब, अब जाना तू? जा रहा हूं ना, आइए अपना काम कर। चलिए क्यों
एकदम पागल है रजनी का भूत। दरवाजा खोल। समीर, हो गया? मैंने रजनी को अपनी गाड़ी में देखा है। क्या हो गया? रजनी कार में, इंस्पेक्टर साहब मैंने बोला था ना, वो हम लोगों का पीछा कर रही है, मार डालेगी। देखिए आप शांत रहिए, चलिए आप मेरे साथ, पहले आप चलिए। कहाँ है? किधर है? यही तो थी। किधर है? यही थी। इंस्पेक्टर साहब वो भूत नहीं है, गायब हो गई, गायब हो गई। राजपाल साहब आपने उस लड़की को देखा है? अब इंस्पेक्टर साहब मुझे लगता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ इसकी बातों की वजह से। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ओके इंस्पेक्टर साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग का पीछा कर रही है, मार डालेगी। अरे देखिए चुप कर यार, इसकी बातों ने मुझे घुमा दिया इंस्पेक्टर साहब। सॉरी सॉरी, ठीक है मैं चलता हूँ। राजपाल तुम जाओ, इंस्पेक्टर साहब आप बच जाइएगा, आप साथ रहिए। देखिए आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये ऐसे ही बकवास करते हैं। समीर साहब, देखिए समीर साहब, ये सब आपका बहम है। ओके मैं हूं ना यहाँ। अरे इसको अंदर ले जाइए, ले जाकर शायद बेवकूफ कहीं का। मौत का बदला लेने आई हूँ। अपनी मौत का बदला? हाँ, भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कुदरत ने आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुम इंसान को मार सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा? हाँ। तुम आत्मा हो? आत्मा? आत्मा? रजनी, रजनी, मुझे माफ कर दो रजनी, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया रजनी, आज मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। मुझे माफ कर दो रजनी, मुझे कुछ नहीं किया, याद कर मैंने कुछ नहीं किया रजनी, मुझे माफ कर दो रजनी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रजनी, मैंने कुछ नहीं किया रजनी, मुझे माफ कर दो, मुझे और मेरे पति को मारा। मुझे माफ कर दो रजनी।